सो हे गाइस, आई एम बैक अगेन और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में डायनेमिक फायर। और देखो यार, जैसा कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेंगल का 2.0 वर्ज़न। तो यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो यार, जो भी बंदा इसे देखे और मेरे चैनल पे आया है तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तो यार, पहले शुरू करते हैं, आज इसे एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, इसके अंदर क्या है ढंग से बताएंगे। तो यार, आप पहले लॉबी में देखते हो तो यार बिल्कुल लॉबी बिल्कुल चेंज हो चुकी है बिल्कुल। और एक बात और बताना चाहूँ मैं आपको कि जिसका भी बेकार फ़ोन है, बेकार फ़ोन से मतलब जो ज़्यादा हाई, मतलब जो अभी नॉर्मल पबजी चला रहा है उसके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसको अच्छे खासे प्रोसेसर की ज़रूरत है, नहीं तो ये लैग करेगा बहुत ज़्यादा। और इस गेम के अंदर भी बहुत सारे बग्स वगैरह हैं क्योंकि ये एक बीटा वर्ज़न है जो कि मैंने डाउनलोड करा है आप लोगों के लिए सिर्फ। और इससे मेरा भी फ़ोन ख़राब हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है, बट मैंने आपके लिए रिस्क लिया और वीडियो बनाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं इस चैनल को। तो यहाँ से हम लोग सीधा प्रिजन आ गए हैं और आप लोग वीडियो एंजॉय करो यार गाने के साथ। तो यहाँ पे हमें उजी वगैरह मिल गए, तो मैं आपको एक छोटे छोटे बस ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो यार, जो प्रिजन में पीछे वाला हाउस था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं और नीचे एक प्लेग्राउंड बन गया है। और ये देखो यार, इस पर मतलब हर चीज़ पे मतलब कलर वगैरह हो चुका है और ये एक प्लेग्राउंड है। तो यहाँ पे जो वेयर हाउस हुआ करते थे वो देखो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। स्पेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गया है पहले के मुताबिक। तो यहाँ पे यार हम थोड़ी बहुत लूट वगैरह करेंगे और यार किल वगैरह पे, किल तो यार बहुत हो गए हैं इसमें, तो किल वगैरह पे इतना ध्यान मत देना और मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं क्योंकि एक्सप्लोर करना। तो यार, प्रिजन से हम लोग निकल जाते हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे थे सीधा, तो यहाँ से हम लोग सीधा स्कूल की तरफ चलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको एक्सप्लोर करा सकूँ उतना मैं कराऊँगा। तो ये हमें बाइक मिल जाती है और यहाँ से निकलते हैं। तो यार, मैं आपको एक बात बताऊँगा कि अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से डाउनलोड करना है, आप अगर इसे डाउनलोड करें तो अपने रिक्स पे करें, इसमें मेरा कोई वो नहीं होगा, बट मैं इसको आपको पूरी वीडियो बता सकता हूँ बना के, तो लिंक के साथ साथ। और ये 100% वर्क करेगा, बस किसी में अच्छा करेगा किसी में बेकार करेगा लेकिन वर्क करेगा। तो यार, जैसा कि हम लोग यहाँ स्कूल में आ चुके हैं, स्कूल की छत पे, तो देखो यार पूरी तरीके से सब चेंज हो चुका है। यहाँ पे झंडे वंडे बाहर लगा दिए गए हैं और वो जो एक पिस्टन कप था वो भी चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हमें कुछ बंदे वंदे भागते हुए दिखाई देते हैं। तो यार, जाहिर स्कूल वगैरह सब कुछ बंदा, जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल करा कोई कुछ नहीं करी, सीधा आप लोग के लिए वीडियो बनाए चला आया। मारेंगे क्योंकि ये हैं सब बोट ही हैं यार, इनको मारने से क्या मिलेगा। लेकिन एक बंदा था जो हमने फिगर में मारा, तो वो बंदा था, नूब था लेकिन वो बंदा था। तो यहाँ पे यार आप बहुत ऐसे ही देख सकते हो, ऐसे देख लो। तो यहाँ के बाद हम सीधा रिजॉर्ट की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि यार ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स के लिए ही मैं आपको दिखा पाऊँगा, नहीं तो यार ऐसे करने के लिए तो पूरी 40 मिनट की वीडियो थी। तो आप लोग यार देखते भी नहीं हो और सब्सक्राइब तो आप लोग बिल्कुल करते ही नहीं हो यार, भाई बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करो। तो यार, रिजॉर्ट में देख सकते हो ऑलमोस्ट सब सेम है, बस थोड़े घर में कलर वगैरह हो गया है थोड़े बहुत जो भी है, बस जो हम रोजों की पहाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी वहाँ पे ग्रिल वगैरह लगा दी गई है जिससे एनिमी वगैरह नीचे ना गिर जाएं या जो भी है, मजाक कर रहा था, लेकिन आप लोग देख सकते हो आपके सामने है सब। तो यार, यहाँ पे टंकी वंकी ड्रम ब्रम पड़े थे, तो ये ग्रिल है यार, एक ग्रिल है, तो ये ग्रिल वगैरह लगा दी गई है, फिर ये क्यों लगाई है पता नहीं। तो यार, यहाँ मेरा सर्वर थोड़ा डाउन हो रहा था और मैं आपको बता दूँ इसमें पिंग हमेशा हाई ही रहेगी, कम से कम 300-400 मेरी 150 पिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा जो यहाँ पे एयरटेल है ये बहुत ज़्यादा 5 या 6 Mbps की स्पीड दे देता है मुझे, इसलिए मेरी पिंग हाई आ रही है। तो यार, यहाँ से हम स्कूल के पास वाले घरों में आ जाते हैं, तो ये भी ठीक ठाक चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है लेकिन चेंज हैं थोड़े बहुत। देखो यार, ग्रिल वगैरह लग गई है थोड़ी बढ़िया, मतलब अच्छे से कर दिया है, कलर वगैरह चेंज हो गया है। तो ये गाड़ी वाड़ी यहाँ खड़ी है जो कि नहीं खड़ी, तो हम यहाँ से सीधा पोचंकी में आते हैं। यहाँ पे जो ये नाला वाला जो भी है ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो हम इसके बैक गेट से हम एंट्री लेते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ खास चेंज नहीं मिला, चेंज तो बस यार घास वगैरह का है जो हर जगह चेंज हो चुकी है, जैसे आपने प्रिजन में भी देखा होगा वहाँ पर भी घास वगैरह एकदम चेंज हो चुकी हैं।
तो वेयर हाउस वगैरह यार यहाँ पे सब कुछ थ्री स्टोरी सब सेम है, तो गाड़ी वाड़ी। और हाँ यार इसके अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो सब ऐसी हैं जो पहले वाली थी, बस चेंज हुआ है तो मैप हुआ है और बोटों का स्टाइल हुआ है। तो यहाँ पे हम पुल के पास आ जाते हैं और यहाँ पे हमने देखा जो वो पेट्रोल पंप है इस पर गाड़ी वाड़ी खड़ी है, उठी हुई है। और ये गाड़ियाँ जितनी भी दली वाली थी सब चेंज हो चुकी हैं, कोई भी सेम नहीं है पहली वाली। तो यहाँ पे जो राइट पे जो घर था वो सेम है, और लेकिन यार ये क्या चीज़ है, यहाँ पे एक लाइट हाउस लगा दिया गया है जो अपने पहाड़ पे है। तो यार ये लाइट हाउस देखो आप, तो मुझे कमेंट करके बताना ये पहले था नहीं था। और यहाँ पे जो यार ग्रिल वगैरह लगी रहती थी पूरी जाली वगैरह वो सब हटा दी, तो अब यहाँ से हम आराम से किसी को भी एम करके शूट कर सकते हैं। और दूसरी बात यार इसका पानी, इस गेम में पानी की जो बिल्कुल ग्राफिक वगैरह है वो सब चेंज हो गए हैं, उसको भी हम आगे दिखाएंगे। तो ये पुल देखो यार बिल्कुल सेम है, ब्रिज में कोई डिफरेंस नहीं है नया। बट हाँ जब ब्रिज के एंड में ये देखो, ब्रिज के एंड में यहाँ पे जो ये छोटी सी ये हील टाइप की है ये तो नहीं थी पहले, ये अब आई है। वैसे ये बेस्ट है क्योंकि हम यहाँ से फिर किसी को भी छुप के मार सकते हैं, ब्रिज कैंपिंग में काम आएगी। तो यहाँ से यार मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो ये पेड़ देखा आपने नोटिस किया, तो यार ये पेड़ भी चेंज हो चुका है पूरी जगह। तो यार वक्त ना जाएगा तो चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस जो कि आप लोग को दिखाना था। तो अब ये तो यार ये देखो ये अलग ही चीज़ है कुछ, यहाँ पे घासों में रखी हुई है, क्या चीज़ है ये पता नहीं। तो यहाँ से देखते हैं इसको थोड़ा बहुत। तो यहाँ से यार मिलिट्री बेस आ चुके हम लोग, तो भाई ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या बम वगैरह गिर गया है इसके ऊपर जो ये टूट चुका है अच्छे से। और आप देखो तो ये टूट वूट चुका है। तो यहाँ पे जितना भी है ये राइट में तो सब सेम है, बट ये थोड़ा जो अपनी थ्री बिल्डिंग है ये थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, मतलब पूरी अच्छी तरीके चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह ये पूरे झंडे वंडे लगे हैं, ये यार कोई पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई मूर्ति टाइप की है बड़ी सी, ये स्टैचू पता नहीं यार किस चीज़ का है लेकिन है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं थोड़ा भाई, दिखा देते हैं आपको, एक्सप्लोर करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे बताता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो इसका डाउनलोड हम कैसे करें पूरे पूरे स्टेप बाय स्टेप, तो उसको कमेंट करके बताना कि आपको ये चाहिए वीडियो डाउनलोड करने की, तो मैं आपको डाउनलोड पूरा अच्छे से बताऊँगा। लोगों ने अच्छे से नहीं बताया, मैं आपको एक वन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, लिंक दूंगा साथ। तो यार यहाँ पे हम दूसरे ब्रिज की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा खास नहीं दिखा बस ये थोड़ा, तो यार ये सेम ही है ब्रिज बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, पेट्रोल पंप भी सेम था, तो हम मिल्टा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यार उधर में जोन वगैरह बनने, तो यार जोन वगैरह आ गया था, और जोन वगैरह पे अगर यार दिक्कत हो जाती तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाता, इसलिए यार मैंने वहाँ जाने की छोड़ी। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा था पानी वानी आगे चेंज हो गया है, तो मैं आपको पानी वानी दिखाता हूँ। अभी मैं हाई ग्राफिक कर लेता हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ यार, मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ गेम की, इसलिए मैंने ग्राफिक और ज़्यादा, तो मेरा जो पहले वाला वर्जन था उसमें मेरी HDR प्लस एक्सट्रीम चली जाती है, लेकिन इसमें नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, इसको भी मैं कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, हिडन वीडियो बना दूंगा मैं एक, नहीं तो यार कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, मेरी स्ट्राइक लग जाएगी। तो लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो कैसे हो सकता है अगर आप कमेंट करके बताओगे। तो यार यहाँ से भी निकल जाते हैं, तो मैं आपको एक यार छोटा सा भी देखना एक स्टंट करके दिखाऊंगा। उससे पहले यार देखना हम यहाँ पे आए घर के, तो यार यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जो यहाँ पे सीधे सीधे भी यार उसके वो टेढ़े टेढ़े हो गए हैं, और ये थोड़े बहुत घर वगैरह ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, तो मतलब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है ये। और यार जैसे GTA वगैरह में ये बीच वगैरह होता है, ये सेम बीच उसी की तरह हो गया है। चलो यार फालतू बातें नहीं करते हैं, हम आपको एक ड्रोन शॉट देते हैं। तो ये रहा यार अपना ड्रोन शॉट, तो यार देखना पानी कितना बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी वाड़ी चढ़ाते हैं लोगों पे या बोटों पे जो भी है, यहाँ से हमने उठाते हैं गाड़ी, क्योंकि यार बग्गी में पेट्रोल बहुत था, लेकिन कोई बात नहीं यार कार चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और यार आपने ध्यान दिया होगा हेडफोन लगा के सुनना कि जो कार की साउंड है वो बहुत हद तक चेंज हो गई है। तो कुछ नहीं यार निकलते हैं यहाँ से, और ये पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं जो कि ब्रिज के पास वाले छोटे छोटे घर थे जो आप मैप में देख सकते हो, तो ये भी चेंज हो चुके हैं यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लू कलर में, ऐसे वाइट से थे तो अजीब थे, अब ये एक तरह के लकड़ी के घर लग रहे हैं, बहुत
तो कोई बात नहीं यार, अभी 7 बंदे बच रहे हैं यार, अभी ये 7 बोट कहाँ से मिलेंगे पता नहीं कैसे आएंगे। एंजॉय करो यार आप वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं कि यार जो अपना एयर ड्रॉप है वो पूरी तरीके से सेम है, उसके अंदर जो कुछ निकलता है मतलब उसको देखने का तरीका सब कुछ सेम है जैसे भी आता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। हर चीज़ में बदलाव है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, गाड़ियों में कोई बदलाव नहीं है, खाली बदलाव है तो मैप में और बोट में। बोट जो है थोड़े AI सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंट हो गए हैं। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मतलब अपने आप से ऐसी हरकतें करके दिखाएगा जैसे कि मैं एक बंदा हूँ बोट में। तो यार यहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम होता है कि ये जो एक बंदा है इसको मैं मारता हूँ, तो देखना है यार क्या लिख के आएगा। और यार गेम में भी बीच बीच में योर टीममेट देखो, योर यू एक्सेलेंटली किल्ड नोबिता विद क्रोजा। तो यार मैंने अपने ही टीममेट को मार दिया, बट अगर मैंने अपने टीममेट को मार दिया एक्सीडेंटली तो यार ये फ्री फायर वाला खेल हो गया ना। लेकिन कोई बात नहीं, तो यार अब मैं क्या करता, मैंने भी अपने ऊपर बम फोड़ा, बट यार कोई भी वो नहीं हुआ ना चिकन हुआ, तो यार ये क्या हो रहा था। तो यार एक ये बहुत बड़ा स्कैम है, तो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि इसके अंदर बग वगैरह बहुत सारे हैं। तो यार कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में देखना ये अपनी जॉयस्टिक गायब हो जाएगी यहाँ से। लेकिन यार अब एक आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, बहुत मेहनत लगी है। मैंने अपनी रियल पबजी इसके चक्कर में डिलीट करी है, कोई बात नहीं मुझे उसकी ID पता है, बट मैंने इसके चक्कर में डिलीट करी, तो प्लीज़।